कि अगर कोई बंदा आपसे नाराजगी में कोई बात कह रहा है तो अब जरूरी नहीं है कि उस बहस में आप उसका जवाब दो। एक बार उसकी सुन लो, उसकी समझ लो कि उसको क्या चीज़ बुरी लग रही है, उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ खल रही है। फिर जब वो थोड़ा सा शांत हो जाए, जब अपनी बात रख ले, तो फिर अपनी बात रखो। क्योंकि मोहब्बत तो यही है ना कि कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूँगी, कुछ तुम चलोगे, कुछ मैं चलूँगी। हर बहस में अपनी आखिरी बात रखना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी से बहस कर रहे हो, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, ये शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है ये कोड, और रिश्ते में भी काम आता है कि अगर कोई बंदा आपसे नाराजगी में कोई बात कह रहा है तो अब ज़रूरी नहीं है कि उस बहस में आप उसका जवाब दो। एक बार उसकी सुन लो, उसकी समझ लो कि उसको क्या चीज़ बुरी लग रही है, उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ खल रही है। फिर जब वो थोड़ा सा शांत हो जाए, जब अपनी बात रख ले, तो फिर अपनी बात रखो। क्योंकि मोहब्बत तो यही है ना कि कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूँगी, कुछ तुम चलोगे, कुछ मैं चलूँगी। हर बहस में अपनी आखिरी बात रखना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी से बहस कर रहे हो, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, ये शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है ये कोड, और रिश्ते में भी काम आता है कि अगर कोई बंदा आपसे नाराजगी में कोई बात कह रहा है तो अब ज़रूरी नहीं है कि उस बहस में आप उसका जवाब दो। एक बार उसकी सुन लो, उसकी समझ लो कि उसको क्या चीज़ बुरी लग रही है, उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ खल रही है। फिर जब वो थोड़ा सा शांत हो जाए, जब अपनी बात रख ले, तो फिर अपनी बात रखो। क्योंकि मोहब्बत तो यही है ना कि कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूँगी, कुछ तुम चलोगे, कुछ मैं चलूँगी। हर बहस में अपनी आखिरी बात रखना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी से